मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इंदौर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़े। सीएम मोहन यादव ने कहा, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। इंदौर मनमाड़ नई रेलवे लाइन को मंजूरी से माल ढुलाई व्यवस्था बेहतर होगी। इंदौर धार खरगोन और बड़वानी को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कृषि आधारित उद्योगों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। अगर करेंगे तो ये सीधे सीधे इंदौर धार खरगोन बड़वानी ये सीधी कनेक्टिविटी हमको मिलेगी। लेकिन जैसे नासिक धुले नंदुरबार ये प्याज के हब हैं, ये नई वैकल्पिक लाइन का हमारे ज्वार मक्का ये मिलेट्स जो अपने इस खरगोन निमाड़ के बेल्ट में होने वाला है, ये सीधा सीधा एक तरह से इंडस्ट्री में हमारे कृषि आधारित उद्योग का तो बढ़ावा दे गई, बड़े पैमाने पे टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग के सेक्टर को बहुत मजबूत करने वाला है। और ये इंदौर में हमारा पीथमपुर का औद्योगिक बहुत बड़ा बेल्ट है और ये इकोनॉमिक है, और उसी प्रकार से उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 डिवाइस पार्क में से एक है, इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। 4 ज्योतिर्लिंग से हमारा इसका संबंध आने वाला है, चारों ज्योतिर्लिंग हमारे घृष्णेश्वर त्रंबकेश्वर नासिक और ये महाकालेश्वर ये सीधे सीधे संपर्क में आएंगे, और यहाँ से शिरडी के साईं बाबा को जाने के लिए भी सीधा रास्ता मिलने वाला है। ये आने वाले 2000 अब मैं तो निवेदन इतने करूंगा कि 29 की जगह 28 पूरा कर लें तो ये समस्त हमारा 28 में होने वाला है, उसका लाभ हमको मिल जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका पूरा लाभ, और ये जो हमको बताया गया है कि लगभग आप ही बताएंगे इसमें इंदौर मनमाड़ रेलवे परियोजना के लाभ से 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है, और 18 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल की बचत होगी। ये रेलवे की साइड से जो बताया गया है, एक इंडस्ट्री की संभावना बहुत जबरदस्त है। मैं कई क्षेत्रों में कई प्रकार की इसमें संभावनाओं को समेट रहा हूँ, लेकिन आज तो ये पीथमपुर को नई तुरंत बेहतर ढुलाई की और परिवहन की जो व्यवस्था दी है जो